जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। माउंटेन कोर के साथ इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप का हुआ टेस्ट। वेस्टर्न फ्रंट पर आर्मी कंडक्ट करने जा रही है अभी तक की सबसे बड़ी एक्सरसाइज। भारत की स्टार्टअप कंपनी डिफेंस एक्सपो में पेश करेगी अपना एक बेहद ही खास टाइटन नाम का टैंक किलर। कश्मीर का मुद्दा उठाने पर भारत ने एक बार फिर से यूएन में स्पष्ट किया कि पूरा जम्मू कश्मीर है भारत का क्षेत्र। और अपनी लेटेस्ट नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में अमेरिका ने भारत को महत्वपूर्ण एलाई, चीन को कॉम्पिटिटर और रशिया को थ्रेट के तौर पर किया डिस्क्राइब। Jains.com की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक अभी जो 9 अक्टूबर को इंडियन आर्मी की ट्राई शक्ति कोर ने नॉर्थ सिक्किम में एक इंटीग्रेटेड टैक्टिकल एक्सरसाइज को जो कंडक्ट किया था, तो इसी एक्सरसाइज के साथ इंडियन आर्मी ने इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के कॉन्सेप्ट को भी रोल्ड आउट कर दिया है। और नॉर्थ सिक्किम में जो ये इंटीग्रेटेड टैक्टिकल एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी, तो इसमें इंडियन आर्मी की ट्राई शक्ति कोर के साथ 27th माउंटेन डिवीजन, जिसे कि स्ट्राइकिंग लाइन डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसके ट्रूप्स और सेंचुरी ब्रिगेड भी शामिल थी। हालांकि इस एक्सरसाइज को लेकर इंडियन आर्मी की ट्राई शक्ति कोर के ट्विटर हैंडल से जो पोस्ट की गई थी, उसमें ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया गया था कि ये एक्सरसाइज इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप वाले कॉन्सेप्ट के साथ कंडक्ट की गई है। लेकिन Jains.com की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें सीनियर इंडियन आर्मी ऑफिशियल के हवाले से बताया गया है कि ये जो एक्सरसाइज थी, ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप वाले कॉन्सेप्ट के हिस्से के तौर पर कंडक्ट की गई थी। और आर्मी ने सभी माउंटेन कोर्स और डिविजन्स को इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया है, तो इसलिए अब से माउंटेन कोर्स के साथ कंडक्ट होने वाली सभी एक्सरसाइज इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की ट्रेनिंग के हिस्से के तौर पर होगी। बाकी इस पर पूरी रिपोर्ट आप Jains.com के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि वेस्टर्न फ्रंट पर इंडियन आर्मी की वेस्टर्न कमांड न्यूली इंडक्टेड वेपन्स और इक्विपमेंट के साथ दुश्मन के टेरिटरी में एक डीप इंट्रोडक्शन, कैनाल बेस्ड ऑपरेशन और ऑफेंसिव ऑपरेशन में फोर्स रेशियो को वैलिडेट करने के लिए एक खास तरह की एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रही है। और इसी एक्सरसाइज के हिस्से के तौर पर वज्र कोर के GOC लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने मैकेनाइज्ड फोर्सेस और अटैक हेलीकॉप्टर्स के इंटीग्रेटेड मैनुअल्स को भी विटनेस किया है। और इस दौरान डिसाइसिव ऑपरेशंस के लिए वज्र फ्लेमिंग एरो ब्रिगेड और गरुत्मान अटैक हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन ने अपने कॉम्बैट पोटेंशियल को भी डेमोंस्ट्रेट किया था। और रिपोर्ट के मुताबिक इस एंटायर वेस्टर्न फ्रंट पर वेस्टर्न कमांड ने जो इस खास एक्सरसाइज को शुरू किया है, तो इस दौरान आर्मी की न्यूली कन्वर्टेड मैकेनाइज्ड फॉर्मेशंस, जो कि रीऑर्गेनाइज्ड प्लेन्स इन्फेंट्री डिवीजन के नाम से भी जानी जाती है, तो उन्हें भी वैलिडेट करने की योजना बनाई गई है। और इस दौरान आर्मी में इंडक्ट किए गए कुछ लेटेस्ट वेपन्स और इक्विपमेंट को भी टेस्ट किया जाएगा। और इसके साथ ही इस नई फॉर्मेशन के टैक्टिकल कॉन्सेप्ट को भी वैलिडेट किया जाना है। और आप कह सकते हैं कि हाल के समय में आयोजित की गई आर्मी की वन ऑफ द बिगेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज है। और बाकी इस एक्सरसाइज के रिपोर्ट के साथ जो एक नई मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन की बात सामने आई है, जिसे रीऑर्गेनाइज्ड प्लेन्स इन्फेंट्री डिवीजन भी कहा जा रहा है, तो ये फिलहाल कंफर्म नहीं है कि न्यूली कन्वर्टेड मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन कोई नया वॉर कॉन्सेप्ट है या थिएटर कमांड्स बनाने वाली प्रोसेस का कोई हिस्सा है। और बाकी जैसे कि ये एक्सरसाइज वेस्टर्न फ्रंट पर हो रही है, तो हमारे वेस्टर्न नेबर्स के लिए एक संदेश है कि आर्मी की इस मैसिव एक्सरसाइज को देखकर आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान दो गन शॉट लगने की वजह से इंडियन आर्मी का कैनाइन वॉरियर जूम, जो बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया था, तो आज हमारे इस वॉरियर ने अपनी अंतिम सांस ली है। और क्या आप जानते हैं कि इस ऑपरेशन के दौरान दो बुलेट शॉट लगने के बावजूद भी हमारा एक कैनाइन वॉरियर जूम अपने टास्क से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा, और जब तक इसमें जान थी तो ये पूरी बहादुरी से लड़ता रहा। और कल पूरे सैन्य सम्मान के साथ जूम को अंतिम विदाई दी जाएगी। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस कैनाइन वॉरियर जूम की आत्मा को शांति मिले और इस सेल्फलेस कमिटमेंट के लिए ये देश जूम को हमेशा याद रखेगा। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि नेवी की ईस्टर्न नेवल कमांड के अंडर 11 और 12 अक्टूबर को कृष्ण गोदावरी बेसिन ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया पर एक ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था, और इस एक्सरसाइज का नाम था प्रस्थान। और इस दौरान मैरिटाइम सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को वैलिडेट किया गया था। तो जैसा कि पहले के डिफेंस अपडेट में हम आपको बता चुके हैं कि 18 अक्टूबर से गांधीनगर में जो डिफेंस एक्सपो 2022 होने वाला है, तो ये भारत का अभी तक ऐसा पहला डिफेंस एक्सपो होगा जो कि खास तौर पर भारत की कंपनीज के लिए होगा। तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि इस डिफेंस एक्सपो में ढेर सारे स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलेंगे, और जिनमें से कई तो ऐसे हैं जिनका अभी तक खुलासा नहीं किया गया है। तो अब इसी के तहत जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, तो वो भी हर एक डोमेन में अपने अत्याधुनिक प्रोडक्ट्स और सिस्टम्स को पेश करेगी, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित प्रोडक्ट्स, एयर डिफेंस और सर्विलियंस सिस्टम्स, रडार सिस्टम्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स रहेंगे। और BEL ऑफिशियल्स के मुताबिक वे इस बार डिफेंस एक्सपो में अपने एयरबॉर्न प्रोडक्शन सिस्टम्स, होमलैंड सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज, मिसाइल सिस्टम्स, EOIN लेजर बेस्ड प्रोडक्ट्स, तो इन सभी को भी डिस्प्ले करेंगे। और अपने कुछ नए प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज को डेमोंस्ट्रेट करके BEL अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज को भी प्रदर्शित करेगी। इसके अलावा स्वदेशी तौर पर रोबोटिक सिस्टम्स की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली भारत की एक स्टार्टअप कंपनी ग्रिडबोर्ड्स भी अपने खास टाइटन ऑटोनोमस टैंक किलर को भी प्रदर्शित करने वाली है,
और इस टैंक किलर की खास बात यह है कि दुश्मन टैंक्स को तबाह करने के लिए इसे BDL द्वारा विकसित की गई अमोक 3 नाम की मैन पोर्टेबल फायर एंड फॉरगेट मिसाइल के साथ इक्विप्ड किया गया है, जो कि 650 mm से भी अधिक के एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर को पेनिट्रेट करने में सक्षम है। बाकी कंपनी के मुताबिक टाइटन एक मल्टी यूटिलिटी कॉम्बैट व्हीकल है जिसे अलग अलग तरह के पेलोड से इक्विप्ड किया जा सकता है और इसे खास तौर पर ऑटोनॉमस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के हिसाब से विकसित किया गया है। इसमें 2000 से 3000 किलोग्राम तक की पेलोड कैपेसिटी है, स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर की रेंज से इसे रिमोटली ऑपरेट किया जा सकता है और ये इंस्पेक्शन, सर्विलियंस और रिकॉनसेंस जैसे अलग अलग मिशंस में इस्तेमाल हो सकता है। और बाकी इस कंपनी द्वारा डिफेंस और होमलैंड सिक्योरिटी के लिए माइनहॉक, ज्यूस, बर्ड, ब्रूट और हॉक नाम से अलग अलग रोबोट्स को भी विकसित किया है। और ग्रिड बोर्ड्स की तरह ही भारत की और भी कई सारी कंपनीज हैं जो इस डिफेंस एक्सपो में अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स को पेश करने वाली है। और इस बार का डिफेंस एक्सपो कुछ ऐसा होने वाला है जो ये साबित करेगा कि अगर हमारे देश की कंपनीज को एक सही रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएं, तो इनमें इतना पोटेंशियल है कि डिफेंस सेक्टर में ये भारत को सही मायनों में जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बना सकती हैं। बस जरूरत है सही तरीके से इन्हें सपोर्ट करने की। और बाकी सपोर्ट से याद आया, आप भी इस वीडियो को लाइक करके हमारे प्रति अपना सपोर्ट बनाए रखिए। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान द्वारा HAL की फैसिलिटीज को विजिट किया गया है और इस दौरान उन्हें HAL के फिक्स्ड और रोटरी विंग प्लेटफॉर्म्स रिलेटेड अलग अलग ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी दी गई है। इसके अलावा एक अपडेट ये भी है कि भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शनिवार से इजिप्ट की 2 दिवसीय ऑफिशियल विजिट पर होंगे और ये भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की इजिप्ट में पहली बायलेटरल विजिट भी है और इस दौरान इजिप्शियन काउंटर पार्ट के साथ कई अलग अलग रेंज के बायलेटरल, रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज को डिस्कस किया जाएगा। बाकी एक अपडेट ये भी है कि आदत से मजबूर पाकिस्तान ने एक बार फिर से UN जनरल असेंबली में कश्मीर का मुद्दा उठाया, और कश्मीर का मुद्दा उठाए भी तब जब UNGA में जो डिबेट चल रही थी वो रशिया पर चल रही थी, और इस कश्मीर वाले मुद्दे को उठाकर जो पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव थे वो कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि रशिया यूक्रेन वाली सिचुएशन कश्मीर वाली सिचुएशन की तरह ही है। लेकिन फिर आप अनुमान लगा सकते हैं कि अब इसके आगे पाकिस्तान के साथ क्या हुआ होगा, वही जो हमेशा होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती। तो हुआ यह कि कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने के बाद फिर UN में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स श्रीमती रुचिरा कंबोज की तरफ से कहा गया कि हमने देखा है कि आश्चर्यजनक रूप से एक बार फिर एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा इस मंच का दुरुपयोग करने और मेरे देश के खिलाफ बेकार और व्यर्थ टिप्पणी करने का प्रयास किया गया है। और इसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह का बयान उनकी मानसिकता को दिखाता है कि वे बार बार झूठ बोलते हैं। और इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। इसके आगे भारत की प्रतिनिधि ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर का पूरा क्षेत्र हमारा है और हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहेगा, और हम पाकिस्तान से सीमा पर आतंकवाद को रोकने का आह्वान करते हैं जिससे हमारे नागरिक अपने जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का लाभ ले सकें। मतलब कमाल की बात यह है कि जहां एक तरफ पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव ने सोचा होगा कि वे UN में एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं तो शायद उन्हें कहीं से कोई सपोर्ट मिल जाए, लेकिन हुआ ये कि भारत ने UN के सामने फिर से स्पष्ट किया कि पूरा जम्मू कश्मीर हमारा ही क्षेत्र है, और UN अगर कुछ करना भी चाहे तो वो तब भी नहीं कर सकता है क्योंकि भारत अपने आंतरिक मामले में किसी का भी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान UN में कितने बार कश्मीर का मुद्दा उठाता है, अंत में पाकिस्तान की एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केवल बेइज्जती होगी और कुछ नहीं। नेटो के सीनियर ऑफिशियल्स की तरफ से दावा किया गया है कि रशिया के प्रिसिशन गाइडेड एम्युनिशंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा खत्म हो चुका है, और पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण रशिया की जो इंडस्ट्रीज हैं वो सभी तरह के एम्युनिशन और वेपन सिस्टम्स का उत्पादन नहीं कर पा रही है। और इसके आगे नेटो ऑफिशियल का यह भी कहना था कि वे नहीं जानते कि रशिया को करीब 300,000 ट्रूप्स को जुटाने में कितना समय लगेगा जिसका रशिया ने टारगेट बनाया है, और उनका सुझाव है कि इसमें कुछ महीने लग सकते हैं। और जबकि इसी बीच एक रिपोर्ट ये भी है जिसमें रशियन हैंडल्स के हवाले से बताया गया है कि कल रात यूक्रेन ने रशिया के बेलग्रॉड रीजन में हार्म मिसाइल से हमला किया था, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि यूक्रेन का यह हमला सफल नहीं हो पाया क्योंकि सभी मिसाइल्स को नाकाम कर दिया गया था। और यहाँ पे जिस हार्म मिसाइल्स की बात की गई है वो असल में एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसे अमेरिका ने एक गेम चेंजर वेपन सिस्टम के तौर पर यूक्रेन को दिया था, लेकिन रशियन हैंडल्स ये दावा कर रहे हैं कि US की ये मिसाइल रशिया के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करने में नाकाम रही है, और इस वजह से हार्म मिसाइल्स रशिया के लिए असल में हार्मलेस साबित हुई है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट ये भी है कि हाल ही में अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2022 की रिपोर्ट सामने आई है, और इस रिपोर्ट में US ने भारत को इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव के लिए अपना एक महत्वपूर्ण एलाय, तो वहीं चाइना को कॉम्पिटिटर और रशिया को एक थ्रेट की तरह डिस्क्राइब किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये अमेरिका के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक वाले विजन के लिए एक मेजर डिफेंस पार्टनर के तौर पर आगे भी बना रहेगा। इन सब के अलावा एक और अपडेट है कि CICA समिट के दौरान रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कहा गया कि हम सभी एशियन कंट्रीज को रूस की पहल पर स्थापित इंटरनेशनल काउंटर टेररिस्ट डेटा बैंक के साथ एक क्लोज कॉपरेशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1987 में ऑपरेशन पवन के दौरान
मेजर एनजे दत्ता सिंह और लेफ्टिनेंट कर्नल बीएस बावा ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। इनमें से मेजर एनजे दत्ता सिंह को मरणोपरांत वीर चक्र से और लेफ्टिनेंट कर्नल आईबीएस बावा को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1997 में ऑपरेशन पवन के दौरान ही हवलदार कश्मीर सिंह भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। बाकी आपके लिए आज का सवाल, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर कितनी मिसाइल्स को डेवलप आज तक किया गया है? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।